नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ये मेरी एन अकेडमी प्रोफाइल है जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा ही न्यूज है। आज के भी अखबार में आप देखें तो आपको ये टॉपिक, ये टर्म मिल जाएगा। ये टर्म क्या है? इम्यूनिटी डेट क्राइसिस। तो दोस्तों, इम्यूनिटी का मतलब तो आप सब समझते ही हैं, मैं जानता हूं, लेकिन डेट का भी मतलब आप जानते हैं क्या होता है? उधार। उधार तो इम्यूनिटी की उधारी, और उस वजह से हो रहा है कुछ क्राइसिस। तो ये क्या है, ये कौन सी इम्यूनिटी की उधारी है जिसके वजह से क्राइसिस हो रही है, और कहा जा रहा है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, उसके पीछे जिम्मेदार है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के वजह से कुछ इम्यूनिटी डेट क्राइसिस हो रही है, और इस वजह से एक नई वेव ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज बच्चों में देखने मिल रही है। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है, आइए आज इसको जानते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है। तो न्यूज में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड चिल्ड्रन फॉलिंग इल इन हाई नंबर्स ड्यू टू कोविड इम्यूनिटी डेट। वैसे ही आप देख सकते हैं यूके में भी छपा है, कोविड इम्यूनिटी डेट सीज इनफ्लक्स ऑफ सिक चिल्ड्रन इन न्यूजीलैंड हॉस्पिटल्स। तो एक टर्म हमें जानना समझना बहुत जरूरी है, ये इम्यूनिटी डेट क्या है। तो दोस्तों, हुआ क्या है, रिसेंट ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में दोस्तों अगर आप देखें तो अचानक से रेस्पिरेटरी इलनेस की स्पाइक आ गई है, स्पेशली इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रन में। कहां पर? न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा आजकल रेस्पिरेटरी इलनेस देखने मिल रही है, और ये बच्चों से मेरा मतलब है एक साल, डेढ़ साल, दो साल के जो बच्चे हैं उनमें ये देखने मिल रहा है। और दोस्तों, कुछ बच्चों में तो इतनी ज्यादा बीमारी देखने मिल रही है कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे जो बीमारी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है वो क्या है? रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस, आरएसवी जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, आरएसवी अगर आप देखें तो सबसे कॉमन डिजीज है जो कि इन बच्चों को प्रभावित कर रही है, इन यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स को भी प्रभावित कर रही है, जिस वजह से उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये आरएसवी है क्या। तो दोस्तों, कोरोना या फिर कोविड जैसा आरएसवी कोई अनोखा वायरस नहीं है, बहुत कॉमन वायरस है। इतना ही कॉमन है कि इससे आप भी, मैं भी, हम सब अब तक कभी ना कभी प्रभावित हो चुके हैं। तो दोस्तों, आरएसवी अगर आप देखें तो ये एक ऐसा वायरस है, बहुत कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस है, लगभग यूनिवर्सल कवरेज है, और यूजुअली बच्चे जन्म लेते हैं और उसके साल डेढ़ साल में ही उनको कभी ना कभी आरएसवी तो हो ही जाता है। तो जो यंग बच्चे होते हैं उनमें एक ना एक बार ऐसा फ्लू देखने मिलता है, ऐसी बीमारी, ऐसी वायरल इन्फेक्शन देखने मिलती है जिसमें उनमें फीवर होता है, रनिंग नोज होता है, हल्का चेस्ट कंजेशन होता है, वीजिंग भी होती है, कफ की प्रॉब्लम होती है, और यूजुअली बच्चों में ही होती है, जन्म लेने के कुछ साल में ही, साल, सवा साल, डेढ़ साल, दो साल तक में आ जाती है। तो दोस्तों, ये क्यों होता है? ये एक वायरस के वजह से होता है जिसको आरएसवी वायरस कहते हैं, और इस प्रकार से जो बच्चों को कॉमन वायरल फ्लू होता है कुछ वैसा ही बीमारी होती है। बच्चों में अगर आप देखें तो कफ होता है, स्नीज होती है, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, और बाकी फीवर, रनिंग नोज भी आता है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या एंटीबायोटिक्स कारगर है? नहीं, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। यूजुअली क्या होता है, जस्ट लाइक एनी वायरल इन्फेक्शन, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, वो अपना कोर्स हफ्ता, इसके केस में दो हफ्ता, कभी कभी चार दिन होता है, जैसे आपको मालूम होगा कुछ वायरल इन्फेक्शन में, कुछ पांच दिन, कुछ तीन दिन, ये वायरल इन्फेक्शन दो हफ्ते तक चलते हैं, और दो हफ्ते में अपने आप बॉडी पहली बार जब आरएसवी से इन्फेक्ट होती है छोटे बच्चे की, तो वो उस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद उसके विरुद्ध लड़ना सीख जाता है, और उस वायरस से वो एक एंटीबॉडी बना के अपने शरीर में रख लेता है। बड़े होने के बाद आने दो, क्या फर्क पड़ता है, एंटीबॉडी बनी हुई है, और तुरंत एंटीबॉडी उस पर एक्ट करती है वापस जब आरएसवी आता है और उसको मार देती है। तो अगर एडल्ट्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं क्योंकि एंटीबॉडी बनी हुई है बॉडी में, हल्का सिम्टम होता है और खत्म कर देती है। लेकिन बच्चों को जब फर्स्ट टाइम होता है, यूजुअली कब, जन्म लेने के कुछ दिन बाद, तब क्या होता है, उन दिनों में उनमें ये इन्फेक्शन काफी ज्यादा प्रभावित करती है। तो जीवन में एक बार सबका ड्यू है, आरएसवी हो जाएगा, थोड़ी बीमारी होगी, थोड़ा बुखार आएगा, कफ होगा, और उसके बाद आपकी शरीर उससे लड़ना सीख जाएगी। पर दोस्तों, कुछ केसेस में, कुछ बच्चों के केसेस में,
कई बार वो यंग बच्चे एक्सट्रीमली इल हो जाते हैं और कई बार तो फेटल भी होता है, बच्चों की जान भी चली जाती है ऑक्सीजन की कमी से। तो दोस्तों ये कुछ केसेस में होता है, स्टैटिस्टिकली अगर 100 लोगों को हो रहा है तो कुछ 1-2% बच्चों में होता होगा। मैं आपको बस समझाने के लिए नंबर्स दे रहा हूं। तो क्यों समझा रहा हूं, अभी आपको एक टर्म बताऊंगा इसीलिए। तो दोस्तों अभी अगर हम देखें तो एक रिसेंट स्पाइक आया है आरएसवी में, कहां पर, न्यूजीलैंड में, और किस वजह से, उसके पीछे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इम्यूनिटी डेट। और ये इम्यूनिटी डेट क्यों आया है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो हुआ क्या है, आइए समझते हैं कहां से ये इम्यूनिटी डेट हुआ। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम है 2019 के अंत में लगभग कोरोना दुनिया में फैलना शुरू होता है, पहली बार आता है और दुनिया में फैलना शुरू कर देता है। तो 2020 पूरा लॉकडाउन में निकलता है, 2021 भी लगभग लॉकडाउन में ही निकलता है। तो लगभग 1.5 साल तो हमारा लॉकडाउन में निकला है, अभी भी लॉकडाउन कई जगह पे तो चल ही रहा है। तो 2019 के जो बच्चे जन्म लिए होंगे न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो नवंबर दिसंबर जब कोरोना आया तब समर थी था, तो उस टाइम जो बच्चे जन्म लिए सेकेंड हाफ में उन्होंने आरएसवी नहीं देखा। 2020 में क्या हुआ दोस्तों, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से क्या हुआ, हैंड वॉशिंग किया गया, लॉकडाउन किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग किया गया, मास्क पहना गया, और इस वजह से क्या हो गया, कोविड-19 को हमने न्यूजीलैंड में कंटेन कर लिया। लेकिन दोस्तों साथ साथ ये अच्छे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से बाकी बीमारियां भी दूर रही, लाइक फ्लू, लाइक कॉमन कोल्ड, और साथ ही साथ आरएसवी भी, जो हर बच्चे को इन्फेक्ट करता था, मतलब ड्यू था, आए हो जन्म लिए हो तो आरएसवी लोगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इन अच्छे प्रैक्टिसेस से उन बच्चों में भी आरएसवी नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट न्यूजीलैंड में क्या हुआ, 99.9% रिडक्शन किसमें, फ्लू केसेस में, 98% रिडक्शन हुआ 2020 में आरएसवी के केसेस में। लेकिन भैया आरएसवी तो जीवन में आए हो तो लेके जाओगे, तो पिछले 2 साल में जो बच्चे जन्म लिए उन्होंने लगभग मेजॉरिटी ने आरएसवी नहीं देखा इन डेवलप्ड कंट्रीज में। तो अब क्या हुआ, लॉकडाउन खुला 2021 में, 1 साल पिछले 2-2.5 साल में जो बच्चे जन्म लिए हैं आज तक आरएसवी नहीं देखा था, उनके शरीर में आज तक इम्यूनिटी नहीं बनी थी। तो इम्यूनिटी का क्या था, उनके शरीर में उधारी चल रही थी, आए हो तो इम्यूनिटी तो लोगे, उसका कभी ना कभी तो होना है, तो वो उधारी चल रही थी, उसी को कहते हैं इम्यूनिटी डेट। 2021 आता है, क्या होता है, सारे स्कूल वूल इनके खुलने शुरू हो जाते हैं, बच्चे घूमने शुरू कर देते हैं, लॉकडाउन हट जाता है। तो ये पिछले 2-2.5 साल में जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं उनमें बच्चों में मेजॉरिटी इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में, आज तक वो आरएसवी से इन्फेक्ट नहीं हुए थे। तो ये 2-2.5 साल में जितने बच्चे जन्म लिए एक साथ क्या होगा, सबके सबको आरएसवी और ये सारी बीमारियां होनी शुरू हो गई। तो अब क्या होगा, अब होगा यूं दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था स्टैटिस्टिकली कुछ बच्चों में आरएसवी क्या हो जाता है, सीवियर हो जाता है, सिम्टम्स उसके एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो उन बच्चों में क्या हुआ होगा दोस्तों, उन बच्चों में आरएसवी के केसेस सिम्टम हुए, लेकिन अपना हॉस्पिटल क्या होता है, तैयार होता है। साल में मान लीजिए कुछ 1500 बच्चों को आरएसवी, न्यूजीलैंड छोटा सा देश है, 1500-1700 बच्चों को आरएसवी हो रहा है, तो 170 बच्चे, 200 बच्चों, उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत होती होगी, तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा, स्पाइक होगा पिछले 3 साल में जो बच्चे जन्म लिए हैं, तो ये नंबर भी कितने हो जाएंगे, 600-700 जैसे नंबर हो जाएंगे। तो अब 600-700 बच्चों के लिए ऑक्सीजन लाना, तो हॉस्पिटल के पास क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इस वजह से हुआ यूं कि पिछले 2-2.5 साल में जो बच्चे जन्म लिए हैं उन सभी में आप अगर देखें तो आरएसवी जैसी इन्फेक्शन नहीं हुई थी। तो पिछले 2-2.5 साल के बच्चों जो जन्म लिए उनमें एक साथ आरएसवी हो जाता है। जब एक साथ आरएसवी हो जाता है तो एक साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट वगैरह की आवश्यकता है। तो यूजुअल एवरेज आप देखें आरएसवी का तो बस 1743 है एक विंटर के सीजन में 29 हफ्ते के। लेकिन न्यूजीलैंड में इस बार आप इस विंटर में देखें तो, क्योंकि देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में अभी वहां पे विंटर चल रहा है लगभग, तो 1000 केसेस आ चुके हैं बस 5 हफ्ते में। तो यानी क्या हो गया है, 2-2.5 साल पिछले 2-3 साल के बच्चों को एक साथ आरएसवी हो रहा है। बहुत सारे बच्चे चाहिए जिनको फर्स्ट टाइम आरएसवी हुआ है और उनको सीवियर सिम्टम्स भी बन रहे हैं, सीरियस सिम्टम्स भी बन रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों आप अगर देखें तो इन नंबर्स में भी क्या आ गया है, स्पाइक आ गया है। तो इसके पीछे क्या जिम्मेदार है,
इम्यूनिटी डेट, इम्यूनिटी की उधारी थी, 2-2.5 साल से बीमारी नहीं झेली तो उधारी चल रही है शरीर में, इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुआ है, तो इस वजह से एक साथ इम्यूनिटी की उधारी चुकाई जा रही है अभी किसके द्वारा, आरएसवी के द्वारा। तो इस वजह से हेल्थ केयर सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है। तो सवाल उठता है क्या बाकी कंट्रीज क्या करें, क्या इससे सीखें? बिल्कुल, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज, हमारे यहां तो क्या है फिर भी इंफेक्शन काफी कॉमन होता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज बाकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां पे अभी विंटर आने वाला है वो तैयार हो जाए, उन्होंने भी लॉकडाउन हटाया है, उनके यहां भी इस प्रकार के आरएसवी जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। इंडिया में भी अगर आप देखें जिन घरों में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का पालन हुआ है एंड वो वेल टू डू फैमिली से हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वही फॉलो कर सकते हैं, तो वेल टू डू के जो फैमिली के जो बच्चे हैं उन्होंने भी अब तक इस प्रकार की इन्फेक्शन नहीं देखी है, तो उनके लिए भी इम्यूनिटी डेट चल रहा है, तो वो भी सतर्क हो जाएं। तो दोस्तों यही था इम्यूनिटी डेट, आई होप आपको आज के बाद हमेशा याद रहेगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10 क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूं इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS SA ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलती है, तो आपको मेरी गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलेगी। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मुझसे संपर्क करें। दोस्तों अनअकैडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन टेस्ट भी है दोस्तों, रैंक 1-3 के लिए बहुत जबरदस्त प्राइजेस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, KC10 कोड इनवाइट कोड है जिससे आप ज्वाइन करें। इसके सिवा दोस्तों कॉम्बो में भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% प्लस 10% प्लस 10% 10% ऑल्सो ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो दोस्तों एक साल की GS ऑप्शनल कॉम्बो की कॉस्ट है 74,500, लेकिन अब आपको मिल रही है कितने में, 49,680 रुपीज। अनबिलीवेबल प्राइसेस हैं, बहुत कम है, बस 14 जुलाई तक है, अनअकैडमी प्रॉमिस भी हमने एक्सटेंड कर दिया है 14 जुलाई तक। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मींस है, एक साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022, दो साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक वैलिड है। वैसे ही आप देखें तो दो साल के सब्सक्रिप्शन में एक साल का एक्सटेंशन है। अनअकैडमी नोट्स दे रहे हैं आपको हम, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, 20 बुक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों टेस्ट सीरीज है 30,000 की जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, 80 टेस्ट है, 50 प्रीलिम्स के, 30 मेंस के। इसके सिवा दोस्तों लोन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जाइए जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, और कॉम्बो में डिस्काउंट है ये तो आपको बता ही दिया। तो दोस्तों इसके सिवा आप चाहें तो प्लस सब्सक्रिप्शन की दो साल की कॉस्ट है 64,800, ये भी एनरोल कर सकते हैं, दो साल की आइकनिक भी ले सकते हैं 1,04,175 रुपए। ये दोनों कीमतें तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी है एक साल की 24,750 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो दोस्तों 14 जुलाई से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, सोचिए मत, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, फ्री टेस्ट सीरीज भी है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इन सभी में एनरोल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।